शांति मनाओ, बात सुनो। भारतीय समाज पार्टी के लोगों, हमें चुनौती मिली है, आपको भी चुनौती मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों को मिली है। और देश में जो नारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 400 पार का, हमको आपको पूरा करना है, नारा लगाना है, तो सुबह गांव में प्रभात फेरी निकाल दो। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा के लोगों एक साथ मिलकर के और अपने अपने गांव में प्रभात फेरी निकाल दो और वही नारा चाप के लगा दो, ये काम कर दो। और हम तो सिर्फ भारतीय समाज पार्टी के लोगों आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, चुनाव जीतने का सवाल नहीं है, चुनाव ज्यादा वोट से जीतने का है। हम लोग गठबंधन में आए हैं तो हम तो बलिया का रिजल्ट हमने एक दिन अध्ययन किया तो 2 लाख, बलिया हम 2 लाख से जीतेंगे। हम सलेमपुर में खड़े हैं और सलेमपुर में तो हमको अंदाजे कि 5 विधायक अपने ही हैं, 5 विधायक अपने हैं। तो हम 5 विधायक मिलकर के पिछला जितना वोट मिला है यहां भी हमको 2 लाख वोट से जीतना है। हम इधर की सीटों पर टारगेट हमारा 2 लाख, हम 2 लाख से जीतना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय समाज पार्टी के लोगों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने बड़े भाइयों के साथ, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, और चले जाओ उनके दरवाजे पर, जाके कहो कि भाई एक गिलास पानी पिलाओ, बहुत गर्मी है, शिष्टाचार पेश करो। अपने निषाद भाइयों के पास जाओ, इस देश में रहने वाले जो भी कम्युनिटी के लोग हैं सबके पास जाओ और सबको यही बताओ कि कमल वाली बटन दबाओ, हियां कमल पर वोट दोगे। भारतीय समाज पार्टी के लोगों, हियां कमल पर वोट दोगे तो घोसी में छड़ी पर मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं सही है? हम कहीं से नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आदेश हो गया है पीएम साहब का, सीएम साहब का, मंत्रीगण का, हम सबका आदेश एक कमल निशान। बहुत नारा, बहुत गीत हुआ, लेकिन एक सीट जहां हमारे साथी लड़ रहे हैं हम लोग एनडीए के अलग अलग, वहां छोड़ करके शेष सीटों पर हमको कमल खिलाना है। बोलो कितने लोग कमल खिलाओगे? हाथ उठाओ यार, दोनों हाथ उठाओ, ये मुर्दा की तरह बोल रहे हैं। हमारे साथ नारा लगाओ। देखो भैया, भाषण से भैया आवाज में सुनाई है, भाषण थोड़ा हम कम कह दे रहे हम। मैं खाली इतने दिखाता, उत्तर प्रदेश में 80 सीट, देश में 400 पार, एकरे बदे हम सब लोग यहाँ जुटा लई। यही नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। माननीय मुख्य अतिथि जी, मजे की बात है कि जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी थोड़ा लड़ रहा है, नेता थोड़ा लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है, जो मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। हम लोग घूम के देख रहे हैं गांव में, लड़ाई कहाँ है। अभी भाई के बीच में बैठ करके हम लोग बात कर रहे थे, लड़ाई कहाँ है, कुछ सीटों पर टिमटिमा रहे हैं। अच्छा आप बतावा, यहाँ लड़ी है का दोनों आपस में लड़के उलट गई है, आपस में लड़ते हैं बेमतलब,
अरे रुपया रुपया रख ले तो बचा ले कुलहुन भाई, लड़ा पड़ा मत, इधर लड़ाई का तो ना हो। हम घूम के सगरो देख चुकल है, चाहे हम चले गए थे जालौन एक दिन पता लगा, इसी दौरान एक दिन चला गया सुल्तानपुर, एक दिन चला गया था बलिया, आज मैं चला गया था देवरिया। देवरिया से होते हुए आया हूँ। तो साथियों, समय अभाव है, मकसद एक है, पूरे भाषण का एक ही रिजल्ट है कि चुनाव चिन्ह कमल का निशान। तो हमारे संगे नारा लगावा, हम बोलेंगे हमारी बटन कहाँ दबेगी, तो आप बोलेंगे कमल के हिया बोला ही के ना है, गाँव में बोले के, गाँव में भी सुनावे के है। तो हमारे किनारे दोनों हाथ ऊपर करा, देखा जय हाथ ना उठाई, सुखपुरा का दरिद्र वही के घरे ताव से बोला हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी। ये नारा हर गांव में गूंजना चाहिए, हर क्षेत्र में ये नारा लगना चाहिए। और हम भारतीय समाज पार्टी के हम जब सुखपुरा आते हैं तो हमको पिंटू सिंह जी याद आ जाते हैं। हम लोगों के बीच में नहीं है हमारे भाई जिलाध्यक्ष बलिया के सुग्रीम जी, तीन लोकसभा के जिम्मेदारी है, सलेमपुर, घोसी और बलिया, तीनों लोकसभा दो दो लाख से जीतवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, एक एक वोट डलवाना है। अरे नेता भाई उमापति, नेताजी उमापति, जोरदार ताली बजाइए, उमापति जी हमारे बहुत तगड़े नेता हैं। उमापति जी हमारे विधानसभा प्रभारी हैं और कौशल राय जी हमारे हनुमान जी। तो हम बहुत नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा आप लोगों से कि जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 की 80 हमको दिया है, हम लोगों को दिया है, एनडीए के गठबंधन को दिया है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर के 400 पार जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। इसी बात के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अब मैं आज के इस नामांकन